गाइज वेलकम बैक टू ए अनदर वीडियो। गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन पे LMC एंड GCam सपोर्ट नहीं करती है उन लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ LMC 8.2। दोस्तों ये एप्लीकेशंस और ये कैमरा सभी मोबाइल फ़ोन पे सपोर्ट करती है। तो वीडियो पे कुछ कॉन्फ़िग फाइल भी है, इस वीडियो की कॉन्फ़िग फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे कॉन्फ़िग फाइल है और इस कॉन्फ़िग फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है और पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो को और दोस्तों आप लोग कैसे ये सब करोगे तो वो जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों LMC 8.2 एंड उसके साथ साथ कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे आना है। वीडियो पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के इस एरो पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर दो लिंक आप लोग देख रहे हो LMC 8.2 APK एंड यहाँ पर नीचे देख रहे हो कॉन्फ़िग फाइल। तो दोस्तों LMC 8.2 APK डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट में ये लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जब भी आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने और भी एक नए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग जब भी क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों नीचे दिए गए कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड करने की लिंक, तो यहाँ पर इस लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड करने के लिए LMC 8.2 का। तो कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आ चुकी है कॉन्फ़िग फाइल LMC 8.2 का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल आ चुकी है। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्फ़िग फाइल के ऊपर आप लोगों को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक यहाँ पर 6 कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर से अवेलेबल है। तो आप लोगों को यहाँ पर से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड के ऑप्शन पर हमने यहाँ पर से क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड भी कम्प्लीट हो चुकी है। तो जब भी दोस्तों आप लोग ये कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड कर चुके होंगे एंड एप्लीकेशंस डाउनलोड कर चुके होंगे तो आप लोगों को ये एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कॉन्फ़िग फाइल आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करनी है। इस वीडियो के बीचों बीच आप लोगों को मैं पासवर्ड दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ये फाइल को अनजिप करोगे। तो दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड के फोल्डर पर जाना है। डाउनलोड के फोल्डर पर मैं आप लोगों को डाउनलोड के फोल्डर पर जाकर दिखाता हूँ। हमने डाउनलोड के फोल्डर पर ऊपर से क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये है हमारी कॉन्फ़िग फाइल। तो इसको अभी हम लोगों को अनजिप करना पड़ेगा। तो हमने क्लिक किया इस फाइल के ऊपर। तो जब ही क्लिक किया हमने, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्रिएट टू एसिबर नेम, इसको अनजिप करने के लिए ये ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों के सामने ये जो XML फाइल आपने डाउनलोड किया इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो है ZR Archiver। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ZR Archiver, ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है ये XML फाइल को अनजिप करने के लिए। और इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को सामने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये XML फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर। तो फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है, तो इस ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जब भी आप लोग क्लिक करोगे तो ऊपर के साइड आप लोगों को स्क्रॉल करके उठाना है। एक बार यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक पासवर्ड रिकॉर्ड ये ऑप्शन आ चुकी है। तो इस ऑप्शन पर जाके आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर से पासवर्ड डाल देनी है, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर से इस फाइल की पासवर्ड यहाँ पर से डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये पासवर्ड आप लोगों को, अगर आप लोग जानना चाहते हो पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो को आप लोगों को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। तो पासवर्ड यहाँ पर देने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करनी है। जब भी आप लोग ओके पे क्लिक करोगे तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फाइल एकदम एक्टअप हो चुकी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर XML फाइल के ऊपर एक फाइल यहाँ पर से आ चुकी है और यहाँ पर से सभी यहाँ पर XML फाइल यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों आप लोगों को ये जो फाइल आप लोग देख रहे हो XML फाइल, इसको सेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये सारे फाइल को एक से एक कर यहाँ पर से कॉपी करना पड़ेगा। दोस्तों हमने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप लोगों को फाइल पर LMC 8.4 की जो फोल्डर पहले से ही क्रिएट हुआ है तो उस फाइल पर आप लोगों को यहाँ पर से पेस्ट करना है। ये आप लोग देख रहे हो LMC 8.2 की फाइल, इस फाइल पर आके दोस्तों आप लोगों को कॉपी टू हियर यानी कि पेस्ट आप लोगों को कर देना है। तो हमने यहाँ पर से पेस्ट कर दिया है। तो अभी आप लोगों की बारी है यहाँ पर कैमरा पे जाना है। कैमरा पे जाने के बाद आप लोगों को चेक करनी है ये फाइल सिलेक्ट हुआ कि नहीं एंड सेट हुआ कि नहीं, ठीक। तो दोस्तों हम लोग कैमरा पे आ चुकी है और यहाँ पर आप लोगों को ये जो ब्लैक एरिया है इस एरिया पे क्लिक करना है यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल सेट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए। तो हमने यहाँ पर डबल टैप कर दिया है। डबल टैप करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हो सभी के सभी यहाँ पर XML फाइल यहाँ पर से कॉपी हो चुकी है, यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों में एक XML फाइल यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कोई भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए उस फाइल के ऊपर क्लिक करना है।
तो मैं कृपया अभी के टाइम यहाँ पर मैजिक की जो कलर है इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यूज़ ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। तो यूज़ ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो हमारे सामने यहाँ पर जो XML फाइल है वो यहाँ पर से अटैक्ट हो चुकी है। और एक फ़ोटो आप लोगों को मैं खींच के दिखा देती हूँ, तो हमने एक पर यहाँ पर से क्लिक कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक फ़ोटो भी यहाँ पर से क्लिक हो चुकी है और इस फोटो को मैं आप लोगों को अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ हमारे सामने एक फ़ोटो क्लिक हो चुकी है LMC 8.2 यूज़ करके। शायद आप लोगों को पता चल गया है कैसे आप लोग ये जो LMC 8.2 है वो कैसे इंस्टॉल करोगे एंड उसमें कैसे आप लोग कॉन्फ़िग फाइल सेट करोगे। दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ये दोस्तों सभी फ़ोन पे सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी एवरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके आपके मोबाइल फ़ोन पर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।